खबर के बाद अब बात विजय माल्या की। बैंकों का करोड़ों रुपए लेकर विदेश भागा विजय माल्या को देश में लाने का रास्ता साफ हो गया है। यूके सरकार ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इस बीच अपील करने के लिए विजय माल्या को 14 दिन की मोहलत दी गई है। यूके के होम सेक्रेटरी ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। आपको यहां बता दें कि भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी विजय माल्या जांच के दौरान ही मार्च 2016 में लंदन भाग गया था। माल्या को वापस लाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जांच एजेंसियों ने लंबी लड़ाई लड़ी। इस दौरान बड़ी सफलता तब मिली जब दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने माल्या को भारत भेजने का फैसला सुना दिया। इसके बाद प्रत्यर्पण संबंधी आदेश की फाइल होम सेक्रेटरी को भेज दी गई थी। विजय माल्या पर बैंकों का पैसा न लौटाने का आरोप है। माल्या की यूके से भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि यूके सरकार ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, लेकिन विजय माल्या के पास अब भी 2 हफ्ते का वक्त है, जिस 14 दिनों के बीच में वो ऊंची अदालत में इस प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील कर सकता है। और विजय माल्या का कहना है कि वो फैसले के खिलाफ अब अपील करेगा। इस बीच विजय माल्या ने होम डिपार्टमेंट के निर्णय पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया। 10 दिसंबर 2018 के वेस्टमिंस्टर कोर्ट के निर्णय के बाद ही मैंने अपील की मंशा जाहिर की थी। होम सेक्रेटरी के निर्णय से पहले मैं अपील की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर पाया। अब मैं अपील की प्रक्रिया शुरू करूंगा। विजय माल्या ने साफ कर दिया है कि प्रत्यर्पण को वो अभी चुनौती देंगे। ऊंची अदालत में विजय माल्या चुनौती देगा और कोशिश पूरी करेगा कि उसका भारत प्रत्यर्पण न हो। हजारों करोड़ रूपये का बैंकों का घोटाला, जिसके बाद विजय माल्या विदेश भाग गया था और लंदन में उसने शरण ले रखी थी, तो वहां से अब उसके प्रत्यर्पण का रास्ता साफ है। माल्या के खिलाफ जो आरोप है वो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। आरोप है लोन की रकम डायवर्ट की। जांच एजेंसी सीबीआई है इस पूरे मामले में। आरोप किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ा हुआ आरोप है माल्या के खिलाफ। इसके साथ ही शेयरों की जो राउंड ट्रिपिंग एक खास तकनीक है, खास कोशिश है, उसका आरोप है उसके ऊपर। सर्विस टैक्स ना चुकाने का आरोप है विजय माल्या के ऊपर इस पूरे मामले को लेकर। और साथ ही विलफुल डिफॉल्टर उसे कहा गया है, यानी जानबूझकर लोन ना चुकाने की कोशिश, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उस पर लगाई है। तो 6 ऐसे आरोप हैं जिसके तहत उसके खिलाफ अलग अलग एजेंसी जांच कर रही है। किस बैंक का कितना कर्ज है? ग्राफिक्स के जरिए SBI 1600 करोड़ रुपए का कर्ज है। IDBI बैंक का करीब 800 करोड़ रुपए का पैसा लेकर विजय माल्या फरार है। साथ ही PNB का 800 करोड़ रुपया विजय माल्या को लौटाना है। इसके अलावा और जो भी बैंक है उनमें बैंक ऑफ इंडिया का नाम है। बैंक ऑफ इंडिया के करीब 650 करोड़ रुपए विजय माल्या के पास हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के 550 करोड़ रुपए को विजय माल्या को चुकाना है। SBI के 1600 करोड़ रुपए इस सारे अमाउंट पे सबसे ज्यादा हैं।